Our next workshop is on learning through travel. For this, we are having with us Mr. Ali Abbas. He is a corporate trainer and consultant. So, can you please have him on the stage? अच्छा जी, आपने कितनी वर्कशॉप अटेंड कर ली है अब तक? ये जो आपका लीडरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसके चार कर ली? 20+ कर ली है। अच्छा, 20+ में क्या क्या टॉपिक्स किए हैं, कुछ याद है? नहीं, ठीक है, आवाज आ रही है, रहने दें, माइक को रहने दें। लीडरशिप किया है, बिजनेस डेवलपमेंट किया है, उसके बाद न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस है? ऑब्वियसली इस जनरेशन में बहुत ज्यादा है। इस जनरेशन में ज्यादा है? Yes. अच्छा, ये किसने बताया आपको कि इस जनरेशन में स्ट्रेस ज्यादा है? मैं आता हूँ अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन मैं फील किया है। फील कैसे किया आपने, यानी कि आपने कैसे फील हुआ आपको, किन वजूहात की बुनियाद पे? कोई इश्क टूटा है आपका? स्ट्रेस का जो सेशन आपने अटेंड किया, उसके बाद स्ट्रेस कम हो गया या बढ़ गया था? यार ये बड़ी बात है, वैसे स्टूडेंट्स में बड़ी जरूरत है। हम कभी ये जुमला नहीं बोल सकते थे ऑडिटोरियम में बैठते हुए। बोल रहे हैं वैसे आप लोग, ठीक है। अच्छा, उसमें बोरियत हुई? yes, उससे स्ट्रेस बढ़ गया, कम नहीं हुआ, इसका मतलब? अच्छा, वैसे जो आपने बात की ना कि आजकल, ये एक आपने वर्ड यूज किया कि आजकल स्ट्रेस बहुत है। सेशन में मैं आता हूं, पहले मैं एक दो मिनट इससे बात कर लूं। मैंने ये देखा है कि अच्छा, आपको लगता है कि आप लोगों में से मुशर्रफ का जमाना याद है लोगों को? नहीं ना, छोटे होंगे आप, पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा, आपको नवाज शरीफ का याद होगा? याद है ना, वो अच्छा था? अगर वो अच्छा होता तो आज भी क्राइसिस ना बने होते। नहीं, आज के जमाने से वो अच्छा था, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। यार एक सीधी बात करें, आज के जमाने से वो बेहतर था या नहीं? बस बेहतर था। आई वाज स्केर्ड एट दैट टाइम, मेरे लिए बेहतर था क्योंकि इतने रोले नहीं थे। ठीक है, चले यार अभी बात कर लेते हैं। पिछला खान का जमाना जो गुजरा है, वो बहुत बेहतर था। बेहतर था? yes. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना, वो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, आप बताएं। नहीं, बेहतर था। अच्छा, अब आपने एक थोड़ा सा, अच्छा आपने अभी बात और करनी है, आपने अपने पेरेंट्स से भी पूछनी है ये बात कभी जिंदगी में कि कौन सा जमाना बेहतर था। चले मैं आपको, यार अब वो कहते हैं वो जमाना ज्यादा बेहतर था, अब कहते हैं कि अब ये ज्यादा, ये सारी आ गई हैं डेवलपमेंट और एडवांसमेंट आ गई है, ये जमाना ज्यादा बेहतर है। तो आखिर वो जमाना कौन सा था जो बेहतर था? और उस, हाँ, उनके हिसाब से बेहतर था। अच्छा, आपको अक्सर आप जब अपने दादा दादी नाना नानी के पास बैठते हैं, वो एक जुमला जरूर बोलते हैं, साडा जमाना बड़ा चंगा था। बोलते हैं ना। मैं इसमें ना काफी मगजमारी की है इस जमाने पे कि ये जमाना क्या है। हमें हर गुजरा हुआ जमाना अच्छा लगता है। अब मैं आपको गारंटी बात बता दूं, एक अभी ये रिकॉर्ड भी हो रही है बात, और गारंटी के साथ मैं कह देता हूं आपको कि 2035 में जो लोग होंगे
वो भी यही कह रहे होंगे कि यार 2025 जमाना अच्छा था, सोलर सिस्टम आ रहे थे, अरबियों की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, और अब तो मुल्क बड़ा डाउन हो गया। तो इस पे आपने थोड़ी सी खुद गौर फिक्र करना है कि ये मिजाज क्यों है। मैंने तो ये हिसाब लगाया है कि इंसान से अनसेटिस्फाइड, उसको गुजरी हुई चीज बेहतर आ रही होती है, या वो सोचता है कि आने वाला जमाना अच्छा होगा, वो जिस जमाने से वो गुजर रहा हो वो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो खुद उसमें अनसेटिस्फाइड होता है, और जो उसकी अपनी अनसेटिस्फेक्शन है उस अनसेटिस्फेक्शन से वो क्राइटेरिया, वो हिसाब लगा रहा है कि ये जमाना जो है वो खराब है। और वो इश्क का मैंने आपको एक मिसाल ये दी थी कि इश्क के अलावा भी इंसान के लाइफ में ना फेलियर्स होते हैं, वो अपने फेलियर से कैलकुलेट कर रहा होता है और अपनी फेलियर की आंख से दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जो सक्सेसफुल लोग हैं क्या वो सोचते होंगे ऐसे आपके ख्याल से, बताएं क्यों? वो भी तो इसी इलाके में रह रहे हैं, वो भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, वो क्यों नहीं सोचते? आप लोगों को जो मीडिया दिखाता है उससे परसेप्शन क्रिएट होती है। चलिए मैं आपको एक सवाल बता देता हूं, इंग्लिश मूवीज आप देखते ही होंगे, सब देखते हैं मूवीज, ज़ॉम्बीज बताएं कैसे होते हैं, कोई एनीवन कैन डिफाइन ज़ॉम्बीज? खौफनाक होते हैं। अच्छा आप बताएं, ब्रेनलेस नहीं, थोड़ा हुलिया बताएं कैसे होते हैं, मरा हुआ सा। अच्छा और नहीं देखा, और आप बताएं, नहीं कोई मूवी देखी इसके कोई किसी ने? अच्छा जब ज़ॉम्बीज का नाम आता है आपके माइंड में आता क्या है? डर्टी और ओके और अच्छा, इस दुनिया की आबादी है तकरीबन 8 अरब, ठीक है, दुनिया में 8 अरब में से आज तक ज़ॉम्बी किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप सबको पता है कि वो ड्रोना है, उसके दांत हैं, उसकी आंखें हैं, वो खून खार है, ये कहां से पता चला आपको? एक चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर एग्जिस्ट करती होगी तो इंसान अभी वहां तक नहीं पहुंचा, आपको कैसे पता चला कि वो उसका ड्रोना है, वो डर्टी किसी ने कहा यहां पे, किसी ने कुछ कहा, कैसे पता चला? आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बस इतनी सी बात। आपको जो मीडिया दिखा रहा है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और आप समझते हैं ये रियलिटी है, और अब इसी पे हम अपनी परसेप्शन की बुनियाद पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। लेट सपोज अगर आपको कभी कोई कहे कि ज़ॉम्बी की फोटो बनाएं तो आप एक ड्रोनी सी फोटो बना देंगे, लेकिन आपने ना कभी ज़ॉम्बी देखा ना कभी किसी ने देखा, आपको जो बताया आपने उसको मान लिया, दैट्स इट। अब ये परसेप्शन आगे चलती है, फिर परसेप्शन उससे आगे ट्रेवल करती है, फिर उससे आगे ट्रेवल करती है परसेप्शन, और परसेप्शन पे ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं ज्यादातर लोग। अच्छा जो डीप थिंकर होते हैं वो खुद चीजों को एनालाइज करते हैं, लॉजिकली चीजों को परखते हैं कि ये जो बात कह रहा है ये बात ठीक है या नहीं ठीक, या मनोवन मान लेनी है। अच्छा जो मनोवन मानने वाले लोग हैं वो 95% के करीब है। मैं ये नहीं कह रहा कि 95% औरतें जाहिल हैं, वो ना कह दीजिएगा आप बाद में कि साहिल अदीब ने कह दिया कि 95% औरतें जाहिल हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं 95% लोग एज इट इज इंफॉर्मेशन को रिसीव करके मान लेते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो चीजों को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। जैसे आप बताइए अगर मुझे कि दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट कहां का है, किसी को पता है? सूडान का, हांगकांग का। अच्छा पाकिस्तान का, और कोई कंट्री जेन में आ रहा है?
अफ्रीका में, जिम्बाब्वे जी, और कोई, नाइजीरिया ठीक है, और हंगरी, नहीं हंगरी बड़ा रिच कंट्री है, यूएसए, नहीं यूएसए में कभी इन्फ्लेशन नहीं हो सकता, वो डॉलर छापते हैं, बड़ा होगा भी थोड़ा कम होगा, और आपके पास एक दुनिया का नक्शा है, मीडिया ने आपको बताया है कि ये नाइजीरिया गरीब मुल्क है, हंगरी ये जो दूसरे आपने नाम लिए ये गरीब हैं, आपके दिमाग में वो आए फौरन और आपने उन लोगों उन मुल्कों के नाम लेने शुरू कर दिए, ठीक है। गूगल आप कर रहे हैं, करें जरा निकालें, हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन द वर्ल्ड एंड यू विल अमेज्ड जिस कंट्री का नाम आने वाला आपके सामने, और उसके करीब। क्या आपने क्या टाइप किया गूगल पे, हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट आगे और उसके साथ कोई कंट्री आ रहा है, आप टॉप फाइव करें फिर आएगी आपके पास सही रिसर्च, टॉप फाइव इन्फ्लेशन रेट, एग्जैक्टली टर्की नंबर वन है इस टाइम, आपने पता नहीं शायद को कीवर्ड रॉन्ग कर दिया, आप में से कोई सोच सकता है कि टर्की होगा, इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा महंगाई टर्की में है, क्योंकि 53% आया मेरे ख्याल से उसका रेट, 53% उसका रेट आया है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने डीप थिंक नहीं किया या आपने रिसर्च नहीं की, लॉजिकल चीजों को नहीं परखा, तो जैसे दुनिया ने आपको एक बात बताई आपने उसको मान के सच समझ लिया। अब ये डिफरेंस है 95% में और 5% में, अब आपने ये फैसला करना है जिंदगी में कि आपने 5% में जिंदगी गुजारनी है या 95% में जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अगर तो 5% में गुजारनी है तो आपको चीजें खुद से परखनी पड़ेंगी और आपकी इंसल्ट नहीं होगी किसी महफिल में, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आपको उसका जवाब आता होगा एग्जैक्टली, मीडिया और मुख्तलिफ जगहों से जो जराए से आप तक इंफॉर्मेशन जो पहुंच रही है उस इंफॉर्मेशन से बियॉन्ड, ये तो एक आप इससे पूछें रेडियो वाले से बाहर तो वो भी इसी तरह के जवाब नहीं देगा, आप पूछ लें वो कहेगा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है, आपने भी यही कहा, तो उसमें और आप में फिर फर्क क्या है, क्या फर्क है एक रक्षे वाले में जो तो ना उसने यूनिवर्सिटी देखी ना वो इतने हाई मेरिट्स में होके यहां पे आया, फिर व्हाट इज द डिफरेंस, अगर उसकी भी थिंकिंग यही है और आपकी भी थिंकिंग यही है देन व्हाट इज द डिफरेंस। सो नंबर वन पॉइंट आज का जो है वो ये है कि खुद से चीजों को डीप जाके लॉजिकली समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात, अब क्योंकि टॉपिक ट्रैवलिंग था और ट्रैवलिंग से जो लर्निंग है वो आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बात को जरा तमजीद बांधते हुए दूसरी तरफ निकल गए, अब थोड़ी सी मैं बात ट्रैवलिंग में कर लेंगे, ट्रैवलिंग में आपको कैसे नॉलेज इंफॉर्मेशन और कल्चरल स्टडीज और ये सारे जो मामलात हैं वो कैसे मिलते हैं। अच्छा जब ट्रैवलिंग आपके माइंड में आती है तो सबसे पहला माइंड में क्या आता है, ट्रैवलिंग का शौक है वैसे आप लोगों को, किसको ज्यादा है, अच्छा यानी कि तकरीबन सबको है, अच्छा क्यों है कुछ बताएंगे जी, आप बताएं क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं किसके लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, आपका क्या विजन है, आप नहीं लगती तो बस ठीक है फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है, आप मोबाइल यूज करें, रवायत सुनी होगी इल्म हासिल करने के लिए चीन जाएं, सुनिए अच्छा इस रवायत को मैंने काफी डिग किया, अच्छा कुछ कहते हैं ये हदीस है, कुछ कहते हैं ये ज़ईफ हदीस है, कुछ कहते हैं हदीस नहीं है, इसलिए अब मैं हदीस का वर्ड ही इस्तेमाल नहीं करता, मैं कहता हूँ रवायत है, रवायत कोई भी कर सकता है, रवायत आप किसी की भी
सुन सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने जो आज बात की है उसको आप एज ए रवायत किसी के सामने बयान कर सकते हैं। अच्छा, क्यों मैंने ये सोचा कि चीन का ही क्यों कहा गया? मैंने जब इसको डिग किया, जो मैं पहले आपको कह रहा था कि डिग करें, रिसर्च करें, सऊदी अरब या अरब मिडल ईस्ट से लेके जब आप चाइना तक आते हैं तो रास्ते में मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस हैं। अगर आप दुनिया की सरफेस पे गौर करें तो दुनिया में चार तरह की सरफेसेस हैं, जैसे पहाड़, रेगिस्तान है, समंदर है और मैदानी इलाके हैं। ये चार तरह की सरफेस है दुनिया में। अच्छा, अब इस सरफेस पे ठंडे पहाड़ हैं, गर्म पहाड़ है, डेजर्ट भी आपको पता है ठंडा भी है गर्म भी है, समंदर भी ठंडा होता है और गर्म भी होता है, और मैदानी इलाके भी ठंडे भी होते हैं गर्म भी होते हैं। अगर आप मिडल ईस्ट से चाइना की तरफ आए तो ये आठों सर्फेसिस आपको मिलती हैं। अच्छा, अब आठों सर्फेसिस, आठ सर्फेसिस जब मिलती हैं आपको तो इससे आपको मिलेगा क्या? आपको मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके मिजाज के साथ डील करने का मौका मिलेगा। जब आप मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ मिजाज के साथ डील करते हैं तो जाके आपका एक ब्रॉडर विजन और एक्सपोजर होता है। आपका एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि यार इसका कोई एक्सपोजर नहीं है, इसका एक्सपोजर कम है, इसका नॉलेज कम है। वो आपको जो नॉलेज है वो किताबों यूनिवर्सिटी से जरूर मिल जाएगा, लेकिन जो एक्सपोजर है आपको वो आपको एक्सपीरियंसेस और ट्रैवलिंग देते हैं। तो जो लोग इस आर्ट सर्फेसिस में सफर करते हैं उनका विजन एक्सपोजर एक उस शख्स से जो कहीं नहीं निकला उससे ज्यादा होता है। एक ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि मैंने तकरीबन 19 कंट्रीज का विजिट किया है दुनिया में, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है, मिडल ईस्ट है, फार ईस्ट है, टर्की है, ये सारे कंट्रीज हैं, और तकरीबन पाकिस्तान में 100 सिटीज का मैंने टूर किया है। अब टूरिज्म को समझने के लिए वैसे तो 10 टाइप्स ऑफ टूरिज्म है, लेकिन मैं आपको चार मेन बुनियादी बताता हूँ, जिसमें एक एडवेंचर टूरिज्म है, जिस लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म जो है वो रिलीजियस टूरिज्म है, कि लोग रिलीजन की जो मुख्तलिफ जो रसूमात होती हैं उसको अदा करने के लिए जाते हैं। और नंबर थ्री पे टूरिज्म आता है जो कि एजुकेशनल टूरिज्म होता है, कि लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं। एंड नंबर फोर्थ इज एंटरटेनमेंट टूरिज्म। जब एंटरटेनमेंट की टूरिज्म आती है उसमें आपके दिमाग में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? एक्सीलेंट, आपकी काफी अच्छी रिसर्च है इस पे। ये एंटरटेनमेंट है दुनिया में तकरीबन एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 60% जो टूरिस्ट हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, दे नीड एंटरटेनमेंट, और बाकी जो 40% हैं वो बाकी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई हैं वो उसके लिए जाते हैं। अब जब वो वहां जाते हैं तो वो नया एक कल्चर एक्सप्लोर करते हैं, जैसे नया कल्चर एक्सप्लोर करते हैं उनके पास न्यू स्टोरीज आती हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनको अंदाज़ा होता है। अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम लंदन गया तो मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, जैसे ही मैं प्रोग्राम से बाहर आया तो वो मेरी एक कोलीग भी साथ थी जो वहीं की थी, तो मैंने जैसे अब आप किसी नए लोगों से मिलते हैं तो आप क्या सवाल पूछते हैं उनसे, पहले दो तीन सवाल? क्या नाम है आपका? ठीक है, और कितने बच्चे हैं? सही है, ओके, शादी हुई नहीं हुई, और आप क्या करते हैं? ये इसी तरह के सवाल होते हैं तकरीबन जब हम पहले मुलाकात करते हैं किसी से। अच्छा, मैं क्योंकि वो जैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बाहर निकले, हम दोनों का प्रोग्राम खत्म हुआ, हम रोड पे खड़े थे बस का वेट कर रहे थे, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम वे कहाँ रहती हो तुम? ठीक है, यही पूछते ना, कोई इकबाल टाउन में रहता है, कोई बहरिया टाउन में रहता है, कोई लेक सिटी में रहता है, कहाँ रहती हो? तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, उसने कहा कि तुमने ये सवाल क्यों पूछा, व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस? मैंने सोचा यार ये कोई कल्चरल जो है ना रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, मैं चुप कर गया। अच्छा, फिर मैंने यही पूछ लिया कि आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, आप ये जो हम सवाल पूछते हैं, तो अंदाजा हुआ कि ये सवाल वहां पे नहीं पूछने किसी से, क्योंकि वो ऑफेंड होते हैं ऐसे सवालात से। वो आप उनसे सवाल पूछेंगे ना तो वो वेदर का पूछेंगे, वो आप उनसे
पॉलिटिक्स का कोई पूछ लेंगे, करंट जो हालात चल रहे हैं कि गेम कौन सी पसंद है, फुटबॉल क्रिकेट, तुम क्या करती हो या नहीं, इस तरह के सवाल वहां पे पूछ। तो ये वहां जाके मुझे अंदाजा हुआ जब मैंने ये गलती की कि ये सवाल एक जनरल दुनिया के सवाल नहीं, ये हमारे पाकिस्तान में पूछे जाते हैं, ये दुनिया में नहीं पूछने आपने। अच्छा, दूसरी बात मैंने वहां पे सीखी कि जैसे ही हम डोर से बाहर निकलते हैं, शीशा, शीशे का डोर होता है, हम निकल जाते हैं, वहां जाके मैंने ये सीखा कि जो आपने निकलना नहीं है, आपने डोर को पकड़ के रखना है। जो बाहर से आएगा, आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा अगर आपका बाहर का आया, तो जो बाहर से आएगा तो उसके लिए आपने डोर को होल्ड करके रखना है ताकि वो गुजर जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये प्रैक्टिस नहीं होती। जब मैं वहां गया तो मुझे ये प्रैक्टिस हो गई, तो वहां पर पता चल गया। अच्छा, सॉरी थैंक यू हम यहाँ कहते नहीं, वहां पर आदत पड़ गई सॉरी थैंक यू कहने की। अच्छा, फिर मैं कोहिनूर चला गया। जब मैं कोहिनूर का, सबको पता है कोहिनूर दुनिया में वाहिद ऐसा मुकाम है, वाहिद, जहां पे खुदा इंसान के साथ हम कलाम हुआ, दुनिया में एक ही मुकाम है। और वो कोहिनूर ऐसा मुकाम है जहां पे तीनों मजाहिब इकट्ठे होके नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं। यहूदी भी वहां आते हैं, क्रिश्चियंस भी वहां आते हैं, और मुस्लिम भी वहां पे आते हैं। अच्छा, उसका जो हाइट है वो तकरीबन 7,000 स्टेयर्स हैं बड़ी वाली, और फिर उसके बाद माउंटेन्स हैं छोटे छोटे स्टेयर्स के, वो 700 हैं, तकरीबन 7,700 स्टेयर्स हैं। जब मैं मिस्र जा रहा था तो मुझे सब ने मना किया था कि आपने उसके ऊपर कोहिनूर पे नहीं जाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मेरा भी इरादा नहीं था। मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो मैंने कहा, हज़रत मूसा यहाँ पे सफ़र किया करते थे, उस वक्त स्टेयर्स भी नहीं थी, तो मेरे ख्याल से मुझे भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, उसका सफ़र रात को 12 बजे शुरू होता है और 5 बजे तक आपने ऊपर पहुँचना होता है, क्योंकि 5 बजे जब सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ती है तो सारे पहाड़ सुर्ख हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये सीन देखने के लिए तमाम लोग वहाँ जाते हैं, और वैसे भी रात का सफ़र इसलिए होता है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वो ज़िंदगी का मेरा ऐसा दिन था जो रात में मैंने इंतहाई सर्द मुकाम का सफ़र किया, और वापसी पे जब हम 5 बजे से वापस आए, 6 बजे, 1.5 घंटा वहाँ पर रहना होता है, तो वहाँ पर सख्त गर्मी थी, यानी कि एक ही दिन में मैंने दोनों टेस्ट लिए। उसके बाद मैं चला गया मिस्र, एहराम की मिस्र तो आपने सुना ही है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, लोग ज़्यादातर लोग ना बाहर से उसको देख के तस्वीरें खींच के आ जाते हैं। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे हकीम बाबर साहब, उन्होंने कहा था कि आपने अंदर जाना। अच्छा, उस एहराम की खूबसूरती ये है कि बाहर अगर टेम्परेचर 50 है या -10 है, उसके अंदर टेम्परेचर 22 होगा, जितनी मर्जी बाहर गर्मी हो, जितनी मर्जी बाहर सर्दी हो। अब ये मैंने एक्सपीरियंस करना था। अब जैसे ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया अंदर जाके, तो मुझे वहाँ पे कूल महसूस हुआ, और सबसे पहले वहाँ पे आपने रींगने की हालत जैसे होती है ना इंसान की, उस हालत में आपने तकरीबन सफ़र करना है। उसके बाद रकू की हालत में आपने सफ़र करना होता है, और फिर झुक के, ये तीन उसके पोर्शन हैं, और फिर जाके आप उस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर फिरौन की लाश मिली थी, वो वहाँ पर वो उन्होंने सेव की हुई थी। अच्छा, अब ये सारे एक्सपीरियंस यहाँ से निकलने से हुए। अच्छा, फिर एक और मेरे ख्याल से 5-10 मिनट कर लूँ, फिर बाकी आपके जो सवालात हैं उसको मैं ज़्यादा एंटरटेन करूँगा। अच्छा, फिर ये शर्मुल शेख से तकरीबन रात को बसेस चलती हैं और 10-11 मुझे वहाँ पहुँचाते हैं, फिर ये सफ़र जो है वो जारी करते हैं। जब आपके माइंड में आता है कि ट्रैवल करना है, हर किसी के माइंड में एक बात ज़रूर आती है कि ये एक्सपेंसिव बहुत है, आती है। अच्छा, इसमें बड़ी 4-5 एक वेबसाइट्स बनी है, वो मैं आपको आज शेयर करूंगा, उस पर आप जिसका शौक है तो उसका बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा। एक का नाम है cosmopolitan.com। इस वेबसाइट पे लोग मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं। अच्छा, इस पे इनको किसी न किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है या किसी ड्रमर की ज़रूरत पड़ती है। आपने बताना है कि आप कुक अच्छे हैं, आप साइकिल अच्छी चला सकते हैं, वट एवर यू आर, कोई स्किल आपके पास है जो ट्रैवलिंग के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, वो आपको शामिल कर लेते हैं अपने साथ, और अपने साथ वो टूर करवाते हैं आपको फ्री ऑफ चार्ज, आपने सर्विसेज देनी होती है उनको बस। एक और वेबसाइट है couchsurfing.com, उसमें आपका शोभा मेडिकल से है, मेडिकल से शोभे के लोग वहाँ भी मौजूद हैं, वो अपने घरों में फ्री रखते हैं लोगों को। ये पूरी दुनिया में एक लोग हैं जो कि फ्री रहते हैं। अच्छा, वो फ्री इसलिए रखते हैं कि वो कहते हैं कि आप अपने बारे में हमें बताएं,
हम अपने बारे में आपको बताते हैं, लेट्स कल्चरल एक्सचेंज टू इनहेंस द नॉलेज एंड एक्सपोजर। अभी पिछले दिनों मेरी एक वेबसाइट पे नजर गुजरी जो कि थी लिफ्टी, LIFTI, lifty.com। इसमें अगर आपने मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करना है तो आपको एक कंपनीज हैं वो कहती हैं कि हमारा सामान है ये आप ले जाएं, तो आपको टिकट बहुत मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाती है। तो इसके जरिए भी आप lifty.com से भी आप सफर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं जब भी विजिट करता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों का, मैं उनके जो रिलीजियस मुकामात हैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि रिलीजियस जो मुकामात हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो बड़ी पुरानी होती हैं, उस पर बड़ा एक हिस्टोरिकल और एक कल्चरल टच मिलता है। फिर जो लोग हैं वहाँ पे, जो लोग मिलते हैं वहाँ पे, उनके साथ आपको गुफ्तगू करने का वक्त मिलता है। अगर आप उनके लेक्चर सुनते हैं तो आपको ये अच्छा लगता है कि क्या लोग, दूसरे रिलीजन्स के लोग जो हैं वो हमारे बारे में या उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है। तो वैसे जब मैंने बहुत सारे ये विज़िट किए मैंने, तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि सारे मज़ाहिब की बात जो है वो कम उबेश ह्यूमैनिटी पे है, अच्छाई पे है, बुराई से रोकती है, शरीयत डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन तमाम की बात कम उबेश एक ही है। तो हमारे दिमाग में जो है ना कि मुस्लिम्स आर वेरी सुपीरियर्स और हम जन्नत हमारे लिए सिर्फ उनके लिए नहीं है, इस पर कुरान में आयात भी मौजूद हैं कि जो अच्छे काम करने वाले हैं जन्नत उनके लिए। आखिरी बात बस करूंगा, पाकिस्तान में तीन ऐसे मुकाम हैं जो दुनिया में या तो कहीं नहीं है या बहुत कम है, इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें। नंबर वन, आपने सुना होगा सकरदू में एक ऐसा डेजर्ट है जो कि कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि डेजर्ट भी है और उस पर बर्फबारी भी होती है। उसकी खूबसूरती यह है कि अगर आप 2 से 3 फीट उसको डिग करते हैं तो ठंडा पानी निकल आता है पीने वाला। ये दुनिया में बहुत कम ऐसे मुकाम है जो कि है। अच्छा, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान के पास है कलाश की तहजीब, सिविलाइजेशन। आपको पता है तकरीबन ये 3500 साल पहले से ये सिविलाइजेशन चल रही है और ये तकरीबन लोग, आप से कलाश गया कोई? कलाश जरूर जाए, आपको ना वो पुरानी सिविलाइजेशन का अंदाजा होगा। वैसे भी हाँ, पिक्चर्स तो है बड़ी फेमस है उनकी, लेकिन वहां जाए क्योंकि ये वही सिविलाइजेशन में जैसे लोग रहते थे, वही रिवाज और वही लिबास और वही खुराक और उसी तरह से वो रह रहे हैं वहां पे। तो दुनिया ने इसको हेरिटेज का नाम दिया हुआ है। और तीसरी जगह पाकिस्तान में खेड़ा की कान, मैं रिसेंटली अभी होके आया हूँ। ये कान, 2-3 कानें हैं बड़ी दुनिया में, और जिस तरह से ये डिजाइन हुई है अंदर उसके, आपने बचपन में जरूर देखा होगा, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल फॉरनर हो तो वो पूछे ना अगर मुझसे कि मैंने आपके मुल्क का विजिट करना है तो मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो उनको फिर मैं बताता हूं कि आप कलाश जाएं, सकरदू जाएं, आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा और आप खेड़ा की कान जो है वो विजिट कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान जो है वो रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से बहुत रिच कंट्री है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है काली माता का, जो आप कराची से जब आप ग्वादर जाते हैं तो ये रास्ते में आता है, प्रिंसेस ऑफ होप जो उनका एक डेजर्ट है या उसके करीब है ये। अच्छा, उसके अलावा ननकाना साहब आपको पता है, अभी करतारपुर अभी शुरू हुआ, ये भी आपको पता है इसके बारे में। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं बहुत यहाँ पे, स्टूपाज हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट यहाँ पे बड़ा वक्त गुजारा उन्होंने। इसके बाद मोहनजोदड़ो है, वो तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा हड़प्पा है। वैसे आपको पता है कि जो पाकिस्तान की जो, बस ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? जी, इंडस, गंदारा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है, यार निकालें गूगल, आप लिखें ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, वो मेसोपोटामिया तो इराक में है, क्या हो गया, वो है सिविलाइजेशन इराक में, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, इंडस वैली नहीं, इंडस वैली कितनी देर, कितने हजार साल पुरानी है? 9,000 इससे भी पुरानी सिविलाइजेशन है पाकिस्तान,
आपको क्या निकला है? आप लिखें गूगल पे मेहरगढ़। एग्जैक्टली, मेहरगढ़ इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। कितने हजार साल बता रहा है? 7000। अच्छा, हमें किसी ने नहीं ये पढ़ाया जिंदगी में। मैं भी 2020 तक, आज से चार साल पहले तक, यही समझता था कि हड़प्पा, गंदारा और मोहनजोदड़ो 4000-5000 साल पुराना है। मैं भी यही समझता था, हमें पढ़ाया ये है। फिर एक इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, इसी के नाम का, मेहरगढ़ के नाम का, वहां पे एक कोर्स हुआ। मैं कोर्स में गया, वहां जाके मुझे पता चला कि मेहरगढ़ इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, विच इज मोर देन 7000 years बिफोर। और इस वक्त भी क्वेटा के पास वहां पे एक इलाका है सिबी, किस पे? टिक्शी, बस जो ये कह रहे हैं, उसके पास क्वेटा से बस 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो वहां पे ये सिविलाइजेशन है जहां पे आप लोग भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब हमें सिलेबस में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो हमें ये लगता है कि यही ठीक है, क्योंकि हमारा रिसर्च का मूड उस तरह से नहीं बनता, माइंड नहीं है कि हमें जो लोग टीचर भी कह देना, हम कहते हैं ये सच कह रही है, ठीक कह रही है। हालांकि जो सिलेबस में भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ये इतनी बड़ी गलती मैंने आपको निकाल के बताई है, मेहरगढ़ इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। आपके पास अगर कोई सवाल है तो 2-3 कर लें, जितना हमारे पास टाइम है। जी, तो मेरा ये सवाल है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को पाकिस्तान टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए, या एज अ सिविल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें ऐसे क्या करना चाहिए या उसको अधिक बेहतर कर सकते हैं? क्या हम सिटीजन को ट्रेवल ब्लॉग्स बनाकर या अपनी कल्चर बना के वो करना चाहिए? गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, उनसे कोई डीपी लगा सकते, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करके ट्रांसपोर्टेशन या पार्टल या इन तमाम चीजों कैसे बेहतर कर सकते? आप किस इलाके से हैं? लाहौर से? कोई किसी गांव के साथ या किसी आपके इलाका पीछे कोई? ईरान से माइग्रेटेड है। अच्छा, मशहद की अब आपने बात की ना, तो मशहद की मैं आपको एक बात जरूर बताता हूँ। पाकिस्तान में आप सारे लाहौर भी रहते हैं ना, लाहौर में कोई ऐसा इलाका मुझे बताएं कि आप फैमिली के साथ निकलें और आपने सड़क के साइड पे आपने चूल्हा लगाया, चटाई बिछाई और वहां कुक करके खा लिया हो, कोई ऐसी जगह बताएं मुझे, कोई एक। मोटर पे होता है, पका रहे होते हैं खुद, ठीक है, वो तो चले यार बाहर हो गए ना, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। देर इज नो स्पेस इन द लाहौर, कहीं भी आप ऐसे नहीं कर सकते। और मशहद में अगर आप रहे हैं तो मशहद का ये आम रिवाज है कि फैमिलीज निकलती हैं, उनके पास वो सिलेंडर वाला चूल्हा होता है, साथ चिकन मीट और वो चावल रखे होते हैं उन्होंने, वो चटाई बिछाते हैं और चटाई बिछा के वहीं पका के वहीं खा लेते हैं। अब खाना कहाँ पकाते हैं? नहीं, किचन में तो पकाते हैं, लेकिन उसकी जो प्री रेक्विजिट्स होती हैं खाने की, पकाने की, वो क्या होती हैं? कि सफाई होनी चाहिए, साफ जगह हो। तो ये मैंने मस्जिद में जब मैं गया तो ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वहां पे मुख्तलिफ फैमिलीज मैंने देखी वहां पे वो खाना पका रही थी। अब आपकी सवाल की तरफ आते हैं, आप लोग जरा मुझे बताएं कि आपके आपका जो बैकग्राउंड है वो किस किस शहर या किस किस गांव से है? आप बताओ। लाहौर से? कोई लाहौर से आउटसाइड? दस का साहिवाल, ठीक है। अच्छा, जो लोग लाहौर से हैं वो बड़ा सिंपल है, आप कहीं भी किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएं, वहाँ पे जैसे इन्होंने कहा वी लॉगिंग करें और उसकी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आप निकाल के बताएं लोगों को कि ये है हमारा इलाका, नंबर एक। और अगर आप कहीं भी जाते हैं, देखिए हमारा मिजाज ये है कि हम जहाँ जाते हैं मरी या कहीं पर, हम तस्वीरें खींच के हम वापस आ जाते हैं,
और हम कोई उसको ना डीपली स्टडी डीपली इंजॉय नहीं करते चीज़ों को। डीपली इंजॉय आप तब कर सकते हैं जब आप वहाँ के किसी लोकल से बात करें कि यहाँ के बारे में बताएं आप, यहाँ का कोई शायर है, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, कोई है यहाँ पे, कोई दानिश्वर है हमारी, उससे बात करें, उसके साथ टॉक कर लें थोड़ी सी, वो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर लें, बाकी अपने एक्सपीरियंस करके अपलोड कर लें। ये तो हो गई इंडिविजुअल लेवल पे बात। हुकूमत जो है वो ये काम कर सकती है, खबरनामा होता है तकरीबन 40 मिनट्स का, 20 मिनट्स के ऐड होते हैं, हर एक घंटे के बाद खबरनामा चलता है, 20 मिनट्स की वो जो सियासत और जो फ्रस्ट्रेशन और जो करंट अफेयर जो फैलाना चाहते हैं वो फैलाएं, जितना मर्जी फैला रहे हैं। अब जो अगले 20 मिनट्स है ना, वो चार शोबों को दे दें, स्पोर्ट्स को, टूरिज्म को, एजुकेशन को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। जब वो लोग सुनते हैं, जब वो सुनेंगे तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि वो भी जाएं। जब भी आप 5-6 लोग दोस्त इकट्ठे होते हैं, क्या बात करते हैं, किस टॉपिक पे बात करते हैं, किस पे, रील्स पे, और ज्यादातर बात हमारा जो कौमी, ठीक है, ज्यादा जो हमारा कौमी एक मिजाज है वो है हुकूमत को गालियां निकालने का, हालात को बुरा भला कहने का, मर गए, पिट गए, तबाह बर्बाद हो गए, मुल्क टूटने वाला है, बैंकक्रप्ट होने वाला है, निकल जाओ, जिंदा भाग, ये हमारी डिस्कशन के पॉइंट्स होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है। अगर ये चार स्पॉट्स जो मैंने आपको बताए हैं एरियाज, अगर ये दिखाए जाएंगे तो आपके माइंड में जो स्ट्राइक होता है ना, आप वही देखते हैं। तो एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर दी मैंने आपको और एक हुकूमत लेवल की बात कर दी आपको, अब जैसे मर्जी इसको आप इम्प्लीमेंट कर दें। जी कोई और क्वेश्चन? एक दफा मैं फ्रांस गया, फ्रांस में जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो हमारा होटल था तकरीबन 50 या 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप समझ लें यहां से लेके जो आपकी मेन रोड है। अच्छा, जैसे ही वहां पे निकला तो वहाँ पे किसी को जुबान नहीं समझ आई, क्योंकि मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ 2013-14 की या 12 की, उसमें ये ज़्यादा बहुत टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं थी। अच्छा, अब मैं निकल आया हूँ, अब मैं पूछता जा रहा हूँ लोगों से मैंने यहाँ पे जाना है, अब कोई समझ नहीं रहा बात को, इंग्लिश को वो समझ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब वो घूम रहे हैं, मैं वहीं पर घूमता जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, कोई कहता यहाँ चले जाएँ, कोई कहता वहाँ चले जाएँ, कोई कहता यहाँ चले जाएँ। अच्छा, मेरे साथ जो दोस्त था मेरा, वो कहता यार हम टैक्सी ले लेते हैं, वो हमें ले जाएगा जाके। अच्छा, हम टैक्सी वाले को पूछा कि हमने यहाँ जाना है, तो वो कहता ठीक है बैठ जाए। जैसे ही उसने हमें बिठाया, एक मिनट के बाद उतार दिया, कहता जी आपका स्टॉप आ गया, आप उतर जाए। तो वो हमारे जो 20 यूरो लगे ना उस दिन, उसका बड़ा दुख हुआ। अच्छा, अब कोई वहाँ पर गाइड करने वाला नहीं है आपको, कोई वहाँ पर आपको समझाने वाला नहीं होता, हज़ारों लोग आपके सामने होते हैं लेकिन आप वहाँ पे जस्ट गूंगे बहरे की तरह होते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, फिर हमने जाना था एक सिटी है, उसका नाम है ROUEN, क्या बना? रोएन। अच्छा, अब हम पूछे जी रोएन जाना है, हमें ट्रेन बता दें कहाँ से मिलेगी, तो कोई बताए ना रोएन, रोएन में कहते जी रोएन, हमें रोएन जाना, अब कोई बताए ना, क्योंकि वो फ्रांस से तकरीबन 5 घंटे की मुसाफत पे वो शहर था। अच्छा, फिर मैंने अपने दोस्तों का, मैंने कहा यार इनको ना एड्रेस दिखाएं जो लिखा हुआ है फ्रेंच में, तो जैसे ही एड्रेस दिखाया तो कहता ओ रुआ। मैंने कहा यार रोइन को अब रुआ कहते हैं तो अब हमें कैसे पता चलेगा अगर रुआ कहते हैं। बहरहाल उस दिन हड़ताल थी, ट्रेन नहीं जा रही थी, तो हम एयरपोर्ट पर बैठ गए। अच्छा, जैसे ही बाहर पता किया, जो होटल था वो 300-400-250 यूरो का मिल रहा था, विच वॉज वेरी हाई प्राइस क्योंकि हड़ताल हो गई तो वहाँ पे। अच्छा, अब हम बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पे, मेरी एक दोस्त है उसकी फैमिली भी साथ है, अब हमने फैसला ये किया कि हम एयरपोर्ट पे ही रात गुजार लेंगे, सॉरी स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे, तो क्योंकि बहुत महंगा था, 8-10 घंटे गुजारने थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो कहते हैं कि 12 बजे हम एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वो पुलिस आ गई, 2-4 और लोग आ गए, फिर उनका एक बड़ा पुलिस वाला आ गया, वो हमारे साथ बात करें हमें कोई समझ ना आए, हम उनसे बात करें उनको कोई समझ ना आए, पर लोग काफी आ गए, उनको हमने कहा जी हमने यहाँ जाना है तो हड़ताल हो गई है, तो वो कहते हैं आप स्टे नहीं कर सकते यहाँ पे,
आप यू हैव टू लीव द स्टेशन। हमने कहा देखिए जी हमारे पास कोई पैसे नहीं है, ये रूम बड़ा महंगा है, हम तो इतना खर्चा अपने साथ लेके आए हुए हैं एक हफ्ते का, तो हम नहीं रह सकते। अच्छा फिर उन्होंने एक बड़े ऑफिसर को बुलाया, जैसे बड़ा ऑफिसर आया तो उन्होंने कहा कि यार इनके साथ बच्चा है तो आप इनको ना ट्रेन के डब्बे में डाल दें जो ट्रेन सुबह जाएगी। तो वो मैंने रात ऐसी आधी रात मैंने वो सड़क पे गुजारी और आधी रात मैंने ट्रेन के डब्बे में गुजार के अपना गुजारा पूरा किया। लेकिन जब इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए तो बड़ा मजा आया। अच्छा जब आगे जब हम रोहा पहुंचे तो वहां पे क्योंकि लेट हो चुके थे, होटल की जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो चुकी थी, बस में बैठे हुए थे तो परेशान थे कि अब किधर जाना है, रात हो गई, सर्दी बहुत ज्यादा। तो ये सारी कन्वर्सेशन हमारे साथ एक पीछे आंटी सुन रही, तो वो कहती है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। मैंने कहा हम पाकिस्तान से हैं। तो कहती ठीक है मैं पेशावर में रहती हूँ, आप परेशान ना हो, आप इजी रहें, आप मेरे साथ मेरे घर आ जाएं। अच्छा मैं हम बड़े हैरान हुए कि ये क्या माजरा है कि अभी हम एक सिटी में आए हैं, ना कोई जान ना पहचान। अच्छा उसकी वाइफ के साथ ही वो गपशप लगाने लग गई आपस में, तो हम पीछे आ रहे थे मैं और मेरा दोस्त। तो मैंने कहा यार कि देखें हम फर्स्ट टाइम आए हैं इस मुल्क में और ये शहर भी बड़ा नया है, वो ऐसा ना हो कि हमारे गुर्दे ही बेच दें हमें बेहोश करके, या हमें क्यों कोई किसी को लेके जाता है इस तरह घर पे अपने। बहरहाल वो आंटी के साथ हमारे 5 दिन गुजरे, उन्होंने हमारी खिदमत की, उनको गपशप लगाने का बड़ा शौक था, मुझे कल्चरल स्टडीज़ का बड़ा शौक था, वो सारी फैमिली सो जाती थी, हम रात को 2-3-4 बजे तक गपशप लगाते रहते थे। ये भी एक उन मुल्कों में बड़ी जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है कि लोग वहाँ पे बातचीत करने के लिए नहीं मिलते। इसीलिए आपको यूके लगता है बहुत डेवलप्ड कंट्री लगता है, आपको फील होता है कि वो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा लोनलीनेस के शिकार लोग वहां पे हैं दुनिया में। और उसका जो फिगर आया था वो था 10.1 मिलियन लोग, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग वहां पे लोनलीनेस के शिकार हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो दुनिया की वाहिद मिनिस्ट्री है जो वहां पे बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, कि जो लोनलीनेस में जो लोग शिकार हैं इनके जो मसाइल हल करें। अभी मैं रिसेंटली लंदन से होके आया हूँ, वहां पे महंगाई डबल है, पेट्रोल डबल है, और वहां पे इतना पैथेटिक सिस्टम है हेल्थ का कि अगर मैं बताऊं तो आपको यकीन नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग तो खैर कि फातिमा जिना में हम बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में, फातिमा मेमोरियल में, तो जैसे ही आप वॉक इन करता है ना कोई, तो आपकी 1-1.5 घंटे के बाद बारी आ ही जाती है, और अगर प्राइवेट दिखाना है तो आपकी 1/2 घंटे बाद बारी आ जाएगी। वहां पे आप टूटी बाजू टूटे आप हाथ के साथ अगर चले जाए ना इमरजेंसी में, तो 8 घंटे आपको लंदन में कोई नहीं देखता, फिर आपकी बारी आती है, आप चीखे मार रहे हैं वहां पे, आप दर्द से जो है ना वो आपकी बुरा हाल है, लेकिन देर इज नो वन टू एंटरटेन यू क्योंकि वहां पे रश बहुत ज्यादा है। अगर आपने किसी चीज का ऑपरेशन करवाना है, हार्ट का, पित्ते का, कोई निकलवाते हैं ना पित्ता, अपेंडिक्स हो गया, तो आपको टाइम मिलता है 6 महीने बाद का और बाज़ुकात 12 महीने के बाद का। अभी मेरे दोस्त कनाडा से होके आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक MRI करवाना था, पूरे कनाडा में मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, फिर मैं लंदन आया, मुझे लंदन में 3 हफ्ते के बाद की अपॉइंटमेंट मिली, मैं पाकिस्तान आया अल राजी गया वॉक इन 15 मिनट में अपॉइंटमेंट मिल गई और वहीं पर एक्सरे मेरा MRI हो गया। तो हमें जो परसेप्शन दिखाई जाती है ना, इतनी भी आसान जिंदगी वहां पे नहीं है जितनी आपको लग रही है। उनके अपने मसाइल हैं, उनके लोनलीनेस के मसाइल हैं, फैमिली के इश्यूज हैं, उनके मसाइल साइकोलॉजिकल हैं, वो बहुत सारे हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी मसाइल हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वहाँ भी अब हो गया वैसे बाय द वे, वहाँ पे अब पुलिस को अगर आप कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं कि मेरा ये चोरी हो गया या मेरे पे ये कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ भी आपको पुलिस बड़ा लेटली रिप्लाई करती है। तो कुछ मसाइल यहाँ पे हैं, कुछ मसाइल वहाँ पे हैं, इसी तरह जो है ना वो जिंदगी चलती रहती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप हाल में खुश रहें, फ्यूचर में खुश रहने की कोशिश ना करें, और ना ये सोचते रहें कि पास्ट अच्छा था, जो पास्ट है वो गुजर गया, फ्यूचर का कोई पता नहीं किसी को है, कि जो हम वक्त अभी गुजार रहे हैं दिस इज रियलिटी एंड दिस इज राइट नाउ वी कैन एंजॉय एनीथिंग। जी जैसे फ्रांस की बात कर रहे हैं, किस कंट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं, आप जहां आप पहले के कह रहे थे पहले आप बहुत डर रहे थे लेकिन आपके बाप गए थे एकदम से ऑल ऑफ द
यार एक तो देखे ना, जब आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि वहां पे लड़कियों की लाइनें लगी होंगी और गोरियां मेमे आपका इंतजार कर रही होंगी कि पाकिस्तान से कोई शीर जवान आ रहा है और हमारे साथ वो शादी करेगा, हमारे साथ वो वक्त गुजारेगा। ये परसेप्शन है ना कि वहां पे बहुत लिबरलिज्म और बहुत वहां पे याशी है। वहां पे सबसे पहले तो ये यूरोप जाके आपका ये टूटता है मिथ कि ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कोई वहां पे इतना जो हमारे माइंड में परसेप्शन है, खासतौर पर लड़के अपने माइंड में बना लेते हैं एक खुशफहमियां कि जी जाएंगे गोरियां हमारे गोरे आगे पीछे होंगे और हमें जो है वो पाउंड्स और डॉलर्स और पैसे रेल पे हो जाएगी। वो एक शख्स थे, वो कहते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर निकले और वहाँ पे ना उन्होंने $10 देखे पड़े हुए अमेरिका में। तो वो कहते हैं कि यार सुना था यार कि पैसे जो है ना यहाँ पे बड़े मिलते हैं, तो ये तो बड़े आसान है पैसे यहाँ पे मिलने। तो वो कहते हैं यार चलो आज आया हूँ मैं तो छोड़ दूँ ये, मैं आगे आगे पकड़ूंगा पैसे जाके ना, ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। तो वो कहता है कि मैंने फिर उसके बाद ना जिंदगी में 20 साल गुजारे, उसके बाद कोई जमीन पे पैसे नहीं देखे मैंने, ना दरख्तों पे देखे। तो फिर मैं कहता उस वक्त पछताया कि यार काश वही पकड़ लेता जो नजर आ रहे थे। अच्छा ये परसेप्शंस है, ये हमारी बनी हुई है। ये जो लोग वहां जाते हैं, अब आप लोग देखते होंगे बहुत सारी वीडियोज भी बन रही है इससे कि यहाँ पे हालात बड़े खराब है, यहाँ पे मुश्किल हैं, यहाँ पे ना आए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आप जब जाते हैं आप लर्न करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपोजर देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो आप एक जैसे लोगों के साथ बैठते हैं ना, पाकिस्तानी और मुस्लिम्स एक जैसे लोग, एक जैसी सोच, एक जैसा सारी थॉट्स, वही पुरानी आज से 30 साल पुरानी जो बहसें थी शिया सुन्नी वहाबी और देवबंदी, और शिया का मातम जायज़ है कि नहीं जायज़, नेल पॉलिश पे नमाज हो जाती है या नहीं हो जाती, वजू हो जाता है या नहीं होता, हमारे वही सवाल है। आप कभी रमजान के प्रोग्राम्स देखें, एक दफा एक्सपीरियंस करें, पिछले निकालें प्रोग्राम 20 साल पुराने और आज निकालें, उधर ही खड़े हैं। अल्लाह के हुक्म से कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ जो है ना ये कौम नहीं गई, नहीं गई। वही सवाल ही नहीं बदले। उस सवाल क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हम एक ही जैसे लोगों को सुनते हैं, एक ही जैसी महफिल में बैठते हैं। जब आप अपने कुएं से बाहर निकलते हैं तब जाके आपको अंदाजा होता है कि यार बुद्धिस्ट भी बड़े अच्छे लोग हैं। मैं बुद्धिस्ट में रहा हूँ श्रीलंका में, काफी मैंने टाइम गुजारा उनके साथ, बहुत अच्छे लोग हैं। हिंदुओं में रवाज बड़े अच्छे, क्रिश्चियनिटी है वो बड़े अच्छे लोग हैं। तो हमें ये सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, हम अगर ना माने ना, अपने दिमाग से सोचें तो चीजें डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू परसेप्शन। यार आजकल तो रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। अब अगर आप मुझसे ये 5 साल पहले सवाल पूछते तो मेरा जवाब और होता। इस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन तमाम कंट्रीज ने रेड अलर्ट किया हुआ है, क्योंकि देखिए ना एबनॉर्मल चीज है ना, आप एक ऑफिस में काम कर रही हैं, आपके पास 500 एप्लीकेशन आती हैं, एकदम 5,000 आनी शुरू होगी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि देर इज समथिंग फिशी, कुछ काम खराब हो रहा है। बहरहाल अगर आपने यूके का वीजा अप्लाई करना है तो वो बहुत ज्यादा फोकस देखते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके जो सिस्टम्स हैं FBR के, वो इसको बहुत जज करते हैं। और कोई भी बड़ा कंट्री खाली पासपोर्ट वीजा नहीं देता, उसके पास 4-5 कंट्री का विजिट होना चाहिए ताकि वो फील करें कि आप ट्रैवलर हैं, आपने ट्रैवलिंग की हुई है। और बस ये दो चीज़ें मेन अहम है। अमेरिका का जो टोटल वीज़ा बेस्ड है ना वो इंटरव्यू बेस्ड है। मैं इतनी थदा लेके गया था अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उन्हें थदा ऐसे देखे ना, उसने मैंने थदा दिया उनको, उन्होंने साइड पर कर दिया, देखा भी नहीं। उन्होंने पूछा जी आप क्या करते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, तो उसके 15-20 मिनट वो करते हैं इंटरव्यू, सेटिस्फाइड हो जाए तो 1 मिनट में दे देते हैं, नहीं तो लंबा टाइम लगा देते हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रीज का ना डिफरेंट माइंडसेट है। अब जैसे कनाडा, देर इज नो इंटरव्यू, देर इज नो एनी टाइप ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन द ऑफिसर एंड द एप्लीकेंट, उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे जज कर लेना है कि आपको वीजा देना या नहीं देना। जो यूरोप के वीजाज हैं वो
देते हैं ज्यादातर एजुकेशनल बेस, या अगर आपने किसी ट्रेनिंग में जाना है या किसी कोर्स में जाना है तो उसमें वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह तमाम कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है, क्राइटेरिया है। अच्छा वैसे मैंने आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, वैसे मैंने हॉलैंड का वीजा लगवाया, फ्रांस का वीजा लगवाया, दो दफा मैं गया और मैं होके भी आया, उसी टाइम से वापस भी आ गया। लेकिन मैंने एक दफा दोबारा हॉलैंड का वीजा अप्लाई किया और सेम कंट्री ने वीजा रिफ्यूज कर दिया। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये वीजा ऑफिसर की जजमेंट है। उस वक्त वो आपके पेपर देख के उसकी क्या जजमेंट उसके दिमाग में पास हो रही है उसके मुताबिक वो आपने उसने आपको यस या नो करना है। जी एनी अदर क्वेश्चन? मुझसे जी उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं और आप क्यों जाना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं ऑथर हूँ, मैं मुख्तलिफ रिलीजन्स पे, स्पिरिचुअलिटी पे और सक्सेस स्टोरीज पे रिसर्च करता हूँ और मैं किताबें लिखता हूँ। तो उन्होंने पूछा जी आपकी कौन सी किताबें हैं, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने गूगल किया, कुछ उन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी, तो उन्होंने पूछा कि आप वहाँ जाके क्या करेंगे। मैं कह मैं मुख्तलिफ कल्चरल स्टडीज़ करूँगा और एक कोर्स की मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाई हुई थी कि ये कोर्स भी मैं अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कंटेंट के बारे में पूछा कि आपका क्या कंटेंट क्या है, किस टॉपिक पे आप बात करते हैं। तो क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है ना और मिस्टिसिज्म, ये पूरी दुनिया में वेरी एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है, और मेडिटेशन योगा, वो कहते हैं इससे पीस आता है दुनिया में, इससे हारमोनी क्रिएट होती है, इससे लव जनरेट होता है, सो प्रमोट दीज टाइप ऑफ पीपल। इसलिए उनके एजेंडे से भी मैच करता था, इसलिए दे गिव मी वीज़ा। सारी बातें समझ आ गई हैं, इसका मतलब है आपको। चलें एंजॉय करें लाइफ को और ट्रैवल करें। थैंक यू वेरी मच।